बिसमीम आसमा अलद मावज़ियामायाए अदद वो हैं कि जिनको वज़ा किया गया हो लियतल अली कमीत अहादल अशियाए ताकि दलालत करें अशिया के अफराद की मकदार पर अस्माय अदद की तारीफ़ की कि किसमा अदद वो आसमा हैं जो अशिया के अफराद की मकदार पर दलालत करें अस्माय अदद वो आसमा हैं जिनको वज़ा किया गया हो ताकि अशिया के अफराद की मकदार पर दलालत करें وأصول العدد أو أصول عدد إثناعشرة عشرة بارا كلمه هي واحدون إلى عشرة واحدون واحدة إلى عشرة ومئة وألفن إكس لعكر دستك أو سو أو هزار واستعماله من واحد إلى إثنين على القياس. और उसका इस्तेमाल एक से दो तक क्या पर है आनी लमजक्र बिदोनताए यानी मुजक्र के लिए बग़ैर ताक़ वलिल बिताए और मुअन्नस के लिए साथ सात तकोलोफ़ी रजुलिन कहोगे तुम एक मर्द में वादुन वाहिद वफ़ी वा रजुलन इस दो मर्दों में दो इसनान वफ़ी वा उम्रता वाहदुन और एक औरत में वादुन वफ़ी उम्रता इस्नता वनता और दो औरतों में इस्नता और सातान असूल अदद यानी वो आदात के जिनसे दूसरे अदद बनते हैं बारह कलमे हैं वाद से लेकर अशरा तक ये दस हो गए और नंबर ग्यारह मियातुल नंबर बारह अल्फन असूल अदद यानी वो आदात के जिनसे दूसरे अदद बनते हैं बारह कलमे हैं वाहदत से लेकर आशरतुन तक ये दस हो गए और नंबर ग्यारह मियातुल नंबर बारह अल्फन व इस्तेमाल हो एक और दो का इस्तेमाल क्यास के मुताबिक होता है यानी मुज़क़्कर के लिए बग़ैर ताक़े और मानस के लिए ता के साथ इस्तेमाल होता है मुज़क़्कर की मिसाल जैसे एक मर्द में कहेंगे वाहिदुन और दो मर्दों में कहेंगे इस नाने और एक मुनस की मिसाल एक औरत के बारे में कहेंगे वाहिदतुन और दो औरतों के बारे में कहेंगे इस या सि नाने एक और दो का इस्तेमाल क्यास के मुताबिक है यानी मुजक्कर के लिए ताके बग़ैर और मन के लिए ता साथ एक मर्द के बारे में कहेंगे मुजक्कर की मिसाल एक मर्द के बारे में कहेंगे वाहिदुन और दो मर्दों के बारे में कहेंगे इस्नाने और मुअन्नस की मिसाल एक औरत के बारे में कहेंगे वादत और दो औरतों के बारे में कहेंगे इस या या सिनान वमिन सलासतिन इलाशरा और तीन से लेकर दस तक आला खिलाफिल कियास आस के खिलाफ पर है आनी यानी मुजक्कर के लिए के साथ तुम कहोगे सलासतु रिजालन तीन मर्द इलाशरत रजालन दस मर्दों तक वलिनुआनस और के लिए तुम कहोगे बिदोन हा बग़ैर ताक़ तकूलो तुम कहोगे सलास व नस्वता इलाशर नस्वतान तीन औरतें तीन औरतों से लेकर दस औरतों तक तीन से लेकर दस तक के जो, हैं हैं। के के तक। जो आदाद हैं खिलाफ क्यास इस्तेमाल होते हैं यानी मुजक्र के लिए ताक सात और मानस के लिए ताक बग़ैर मुजक्र की मिसाल सलासत रजालन से आशरत रजालन तीन मर्द दस मर्द और मनस की मिसाल सलास व से आशर व तक तीन औरतें और दस औरतें सलासतुन यानी तीन से लेकर दस तक के आदाद खिलाफ क्यास होते हैं यानी मुज़क़्कर के लिए के साथ और मनस के लिए के बगैर मुज़क़्कर की मिसाल सलासतु रजारन तीन मर्द आशरतन दस मर्द मुन्स की मिसाल सलास व नस्वतान तीन औरतें और आश्र नस्वतान दस औरतें व बादल आशरत और दस के बाद तुम कहोगे अहद आशर रजुल वन आशर रन ग्यारह मर्द और बारह मर्द व सलास्त आशर रजुल एलातीिस आशर रजुल तेरह मर्द और उन्नीस मर्द व अहद आशरत इमराता ग्यारह औरतें वनतः आशरत इमराता बारह औरतें व सलास आशरत इमरातन तेरह औरतें अलाती सात इमराता उन्नीस औरतें दस के बाद ग्यारह और बारह में आदात का इस्तेमाल क्यास के मुताबिक है यानी मुजक्र के लिए ता बग़ैर और मनस के लिए ताके साथ मुजक्र की मिसाल अहद आशर रज़ुलन और इस इसना रज़ुलन। रजुुल्नस की मिसाल अहदा आशरत इमराता और इस इसनता आश्रता इमराता दस के बाद ग्यारह और बारह में अदद का इस्तेमाल क्यास के मुताबिक होता है यानी मुज़क़्कर के लिए ताके बगैर और मुअन्नस के लिए ताके साथ मुज़क़्कर की मिसाल अहद आशारा रजुल और इसना आशर रजुल ग्यारह मर्द बारह मर्द मुअन्नस की मिसाल अहदा आशरत इमराता और इस्नता आशरत इमराता ग्यारह औरतें और बारह औरतें और तेरह से लेकर उन्नीस तक का इस्तेमाल इस तरह है के पहला जज खिलाफ क्यास और दूसरा जज् मुआ के क्या होता है यानी पहला जज़् यानी मुजक्कर के लिए पहला जज़ ता के साथ दूसरा ता के बगैर और मुअन्नस के लिए पहला जज़ ता के बगैर और दूसरा ता के साथ होता है तेरह से उन्नीस तक के आदाद का इस्तेमाल इस तरह है के दो जज़् होते हैं मुज़क़्कर के लिए पहला जुज खिलाफ क्यास दूसरा जुज मुआफ़े के क्यास और मन के लिए पहला जुज खिलाफ क्यास और दूसरा जुज़ मुआफ़ क्यास यानी मुज़क़्कर के लिए पहला जुज़ ता के साथ दूसरा ता के बगैर और मन के लिए पहला जुज़ ता के बगैर और दूसरा ता के साथ मुजक्र की मिसाल सला सात आशार और रजुल तेरह मर्द तीस आशर और रजुल उन्नीस मर्द और मनस की मिसाल तेरह औरतें और और तीस औरत अच्छा आशरत इमराता उन्नीस औरतें वबाद सालिका और उसके बाद तुम कहोगे रजुलन व वशरून इमराता बीस मर्द और बीस औरतें बिलाफ़रक़म बैनल मुज़क्र वमुआनस बग़ैर फ़रक मुजक्र मुअन्नस के दरमियान अला तसिन रजुलन नवे मर्द वमरातान और नवे औरतों तक इसके बाद उन्नीस के बाद जो जहाइयाँ हैं यानी इशरूना से तस्वुना तक वो वह मुज़क्रुमानस में बग़ैर फ़र्क के इस्तेमाल होती हैं मुजक्र की मिसाल इशरूना रजुलन इशरून इमरातान बीस मर्द बीस औरतें और रजुलन रजुल तस्वूना उन नवे मर्द और नवे औरतें उन्नीस के बाद जितनी दहाइयाँ हैं वो मुक्करमानस के दरमियान बग़ैर फ़र्क़ इस्तेमाल होती हैं जैसे इशरूना रजुलन इशरूना इमरा बीस मर्द बीस औरतें और तिसून रजुलन तिसूना इमराता नवे मर्द और नवे औरतें व अहदू व इशरूना रजुल और इक्कीस मर्द व अहदा व इशरूना इमरातान और इक्कीस औरतें व इस्नाान रजुलन बीस बाईस मर्द व इस्नता वशरून इमराता और बाईस औरतें बीस के बाद पहला और दूसरा जो अदद है वो मुआफ़े के क्यास होता है यानी मुजक्कर के लिए ताक बग़ैर और मानस के लिए ताक साथ होता है बीस के बाद दहाइयों के बाद पहला और दूसरा अदद जो होता है वो मुआफ़े के क्यास होता है यानी मुज़क़्कर के लिए ता बग़ैर और मानस के लिए ताक साथ। मुज़क़्कर की मिसाल अहदों वायशरून रजुलन इक्कीस मर्द और इस्नान वाशरून रजुल बाईस वा मर्द मानस की मिसाल अहदा वशरून इमराता इक्कीस औरतें इस्नता वाशरून इमराता बाईस औरतें आगे है वसलासत वायशरून रजुलन तेईस मर्द वसलासूँ वाशरून इमरातान तेईस औरतें इलातिसातीिससाता वती रजुलन नन्नवे मर्द वावस इमराता नन्नवे औरतें दहाइयों के बाद पहला और दूसरा अदद छोड़कर तीन से लेकर नौ तक का इस्तेमाल का तरीका ये है कि पहला अदद मुखाल क्यास और दूसरा अदद मुआफ़ क्यास पहला अदद मुखालिफ क्यास होता है यानी मुजक्र के लिए ताके साथ और के लिए ताके बग़ैर ग्यारह यानी एक और दो को छोड़कर कर दहाइयों के बाद पहले दो अदद छोड़कर तीन से लेकर नौ तक का इस्तेमाल इस तरह है कि पहला अदद मुजक्र के लिए मुखालफ क्यास और मुखालफ क्यास होता है यानी मुजक्र के लिए ताक़े साथ और मुन्नस के लिए ताके बगैर मुजक्र की मिसाल सलास्तोंशरुन रजुलन तेईस मर्द और तिसाता व वत रजुलन तिसाता व वत रजुलन इसका माना है नन्ानवे मर्द मुजक्र की मिसाल सलास्तों आशरून रजुलन तेईस मर्द और तिस हाथों व तिसजुन ननानवे मर्द और मुन्नस की मिसाल सलासों आयशरून इमरातन तेईस औरतें और तीस तीस तिस, तिस इमरातन इसका माना है नन्ानवे औरतें चुम्मतूलो फिर तुम कहोगे मेअ रजुल सौ मर्द में अतो इमरा सौ औरतें हजार अल्फ रजुलन हज़ार मर्द अल्फामरा हज़ार औरतें मेअा रजुलन दो सौ मर्द में अतामरा दो सौ औरतें अल्फा रजुलन दो हज़ार मर्द अल्फा इमरातन दो हज़ार औरतें बग़ैर फ़र्क के मुजक्र मुआनस के दरमियान नन्ानवे के बाद सौ और हज़ार में इस तरह कहेंगे अल्फो रजोन अल्फो अल्फ़ रजोन अल्फ़मरा मेअा रजुलन म्याा इमरा अल्फा रजोलिन अल्फा इमरातिन मुजक्रुमस में कोई फ़र्क नहीं है नन्ानवे के बाद सौ और हज़ार में मुजक्र उमानस में कोई फ़र्क नहीं होगा चुनाचे इस तरह कहेंगे कहेंगी मेअो अतो मेअरातन हज़ार सौ मर्द सौ औरतें अल्फ रजुल्फ़ इमरा हज़ार मर्द हज़ार औरतें मेअा रजुल मे अतामरातन दो सौ मर्द दो सौ औरतें अल्फा रजोलिन अल्फा इमरातन दो हज़ार मर्द दो हज़ार औरतें फैलाजाद अललमतें जब बढ़ जाए सौ पर और हज़ार पर युस्तलवा क्या से मफ्त इस्तेमाल होगा उस क्यास पर जो तुमने जान लिया अगर अदद सौ और हज़ार से बढ़ जाए तो उनका इस्तेमाल का वही तरीक़ा है जो पिछले ज़ाबतों में बयान हो चुका है अगर कोई अदद सौ और हज़ार से बढ़ जाए तो इस्तेमाल उस तरीक़े पर होगा जो पिछले ज़ाबतों में गुजर चुका है वहीदमों और मुकदम किया जाएगा अलफो हज़ार को मे पर सौ पर वलमियत वालल अहदादे और सौ को मुकदम किया जाएगा इकाइयों पर वलाहादल अशरात और इकाइयों को मुकदम किया जाएगा दहाइयों पर तकुल तुम कहोगे गंदी मेरे पास अलफ़न व वहदरूना रजुलन एक हज़ार एक सौ इक्कीस मर्द हैं वफ़ान व मतान व वा इसनान वाशरून रजुलन और दो हज़ार दो सौ बाईस मर्द हैं वरबात अलाफ़िन वस्मतिन वमसूँ व अरबाहून इमराता और चार हज़ार नौ सौ पैंतालीस औरतें हैं वाले कबल क्यास और तुम पर लाजम है क्यास अगर हज़ार अगर हज़ार सौ इक्कायाँ और दहायाँ जमा हो जाएँ तो तरीक़ा ये है कि हज़ार को सौ पर सौ को इकाइयों पर इकाइयों को दहाइयों पर मुकदम करेंगे अगर किसी अदद में हज़ार सौ इकाइयां और दहायाँ जमा हो जाएँ तो तरीक़ा ये कि हज़ार को सौ पर सौ को इकाइयों पर इकाइयों को दहाइयों पर मुकदम करेंगे मसला आंदी अलफन वमअनद वशरून रजुलन मेरे पास एक हज़ार एक सौ इक्कीस मर्द हैं आंदी अलफ़ा वमान वनान वशरून रजुलन मेरे पास दो हज़ार दो सौ बाईस मर्द हैं हंदी अरबा तो अलाफ़िन वसों में अधिन वमसरबून इमराता मेरे पास चार हज़ार नौ सौ पैंतालीस औरतें हैं